देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है गुलाब जामुन वाला, ठीक है। किसको कैसा पसंद है गुलाब जामुन? सबको पसंद है। हाँ ये तो बात तो है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। जितना इसका वॉल्यूम है ना एक गुलाब जामुन का, उसका वॉल्यूम का 30% में क्या है शुगर सिरप, मतलब जो चीनी होता है ना वो है चीनी का, हाँ चाशनी। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो कह रहा है 45 गुलाब जामुन कितने सिरप पाए जाएंगे। सिंपल से बात है, पहले एक का निकाल लो, ठीक है, और जितना आएगा उसको 45 से मल्टीप्लाई करो। मतलब कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन में कितने वो आपका क्या कहते हैं, हाँ वो तो क्या शुगर सिरप होगा, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, इस शेप लाइक के सिलेंड्रिकल, और किसका शेप कैसा है सिलेंड्रिकल है, विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड, जिसके एंड पे क्या दो हेमिस्फेरिकल एंड्स है। तो फिगर तो अच्छा से नहीं बनाए, एक फिगर से बना देते यहाँ पे, मतलब इस तरह समझो एक फिगर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है ऐसे इस तरह से नहीं। विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना दिया हुआ इसका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया हुआ कितना 2.8 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो गया हमारा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से, क्या करना है बताओ। इस क्वेश्चन सबसे पहले क्या निकालेंगे, किसका वॉल्यूम, इस फिगर का निकालेंगे, फिर क्या निकालना हमको शुगर सिरप निकालना है, फिर इसका निकालेंगे 30%, क्या निकालेंगे 30%। तो वो एक का हो जाएगा कि एक गुलाब जामुन में कितने शुगर सिरप है, उसके बाद जितना आएगा उसको क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं अब हम लोग। वॉल्यूम ऑफ लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, क्योंकि इसके दो एंड पे क्या है हेमिस्फीयर है और बीच में क्या है सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या जाए सिलेंड्रिकल का, पाई आर स्क्वायर एच, अब प्लस इसका एच वन कर लेते हैं, इसका क्या बन जाएगा हेमिस्फीयर है ना, तो 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अच्छा 2 हेमिस्फीयर है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं, तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। अब कॉमन क्या जाएगा इसमें दोनों में से, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर जाएगा एच प्लस 4/3 इंटू आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना है इसका, एच कितना है बताओ, 5 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से इसे मिलाओ कैसे, अगर गुलाब जामुन को लेके बात करें, यहाँ पर देखो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह से आपका गुलाब जामुन है सपोज ऐसे है, ठीक है। और पूरा लेंथ कितना दिया हुआ है इसका 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और आपको इसका दिया हुआ कितना रेडियस कितना दिया हुआ है 1.4, मतलब यहाँ से भी 1.4 और यहाँ से कितना 1.4, तो 1.4 और 1.4 कितना बच जाएगा 2.8, तो 5 में से कितना घटा लो 8, तो कितना बच जाएगा ये 2.2, ठीक है। तो आपको लेंथ कितना दिया हुआ है इसका 5 में कितना माइनस करना है आपको 2.8, क्योंकि 1.4 प्लस 1.4 कितना बच जाएगा 2.8, तो 5 में से अगर 2.8 घटाएंगे कितना बच जाएगा 2.2, और 2.2 क्या हो गया हमारा इसका इस सिलेंड्रिकल का हाइट हो गया, ठीक है। तो हाइट यहाँ पे मेरा कितना निकल गया 2.2 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट कर लेता हूँ हम लोग, तो यहाँ पे हाइट कितना आ जाएगा 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर कितना हमारा 1.4, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू 2.2 प्लस कितना बन जाएगा, ठीक है।
ओके पाई आर स्क्वायर, इसका एलसीएम 3 6.6 प्लस 5.6, इसको ऐड कर लेते हैं 22/7 इंटू आर कितना हमारा 1.4 इंटू, इसको ऐड करो कितना जाएगा ये 3 7 से कट जाइए कितने बार 2 बार में, इसे 10 2 से कट जाए कितने बार में 5 बार में, अब तो नहीं कटेगा क्या, अब तो नहीं कटेगा, तो चलो अब यहीं पे कर लेते हैं। ये तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, ठीक है, वैल्यूम को बहुत अभी आर भी करना, इसका क्या निकालना हमको 30% निकालना, क्योंकि इस पूरे वॉल्यूम का शुगर सेव कितना है ओनली 30% ही, मतलब हमको इसका 30% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं, और फिर हमको इसमें कितने गुलाब जामुन टोटल हैं 45 है, फिर 45 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, ये अभी एक का हुआ ना, एक का हुआ, एक का हुआ, और हमको दो वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, एक 30% से और दूसरा 45 से, तो चलो अब यहाँ पर कर ही लेते हैं, तो इसको भी हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ रहे हैं, तो जो वैल्यू लिखा है उसको हम फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दे, ठीक है, यहीं पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो कितना लिखा है यहाँ पे 22 इंटू कितना बच गया यहाँ पे 1.4 इंटू 12.2 डिवाइड बाई कितना बच गया यहाँ पे 5 5 3 15, ठीक है, ये देखो एक लाख जो है वॉल्यूम, यहाँ पे 30% मल्टीप्लाई कर दो तो 30/100 इंटू मल्टीप्लाई कितना करेंगे 45, ये हो गया 30% इसका, और जितने भी गुलाब जामुन टोटल कितना है 45, ठीक है, समझ आ रहा है सबको ना, चलो स्पेस नहीं इसलिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो 15 से कट जाइए कितने बार में 2 बार में, और कुछ कटने वाला है, चलो काटो तो 5 से काट दे 5 9 जा 45 5, 2 से कट जाएगा कितने बार में 10 बार में, और कुछ कटेगा 2 से काट दो, चलो इसी नीचे 10 दे देते हैं, ठीक है, 2 से काटेंगे कितना जाएगा 5, ये 7 आ जाएगा, ठीक है, कौन सा कट जाएगा, हाँ 10, अच्छा 10 काट लेंगे कितना जाएगा 5 11, तो क्या क्या बच गया उसको लिख लेते हैं, ऊपर 11 बच गया इंटू 7 इंटू कितना 12.2 इंटू कितना बच गया ऊपर 9 डिवाइड बाय कितना है 25। अब तो मुझे कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा, या आपके पास समय है तो इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, ठीक है, तो मोबाइल इसका यूज कर लेते कैलकुलेटर का, यहाँ पर कितना 11 × 7 इंटू 12.2 इंटू 9 इक्वल टू डिवाइड बाय 25 338.18 फोर्स, क्या निकाला था हमने, वॉल्यूम निकालना था ना, देखो आंसर कितना दिया है, तो इतना आपका शुगर सिरप कंटेंट होगा किसमें 45 गुलाब जामुन में, ठीक है, चलिए तो आप करते क्वेश्चन नंबर 4।